भारत की न्यायपालिका में चंद जातियों के लोगों का ही कब्जा क्यों है, क्यों वहां सिर्फ चंद जातियों के लोग ही जज बनते हैं, ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नए जज को नियुक्त करने की सिफारिश की है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसने एक नए जज का नाम आगे किया है जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, लेकिन उनकी नाम को आगे करने के पीछे एक दलित जज को पीछे कर दिया गया है जो सीनियोरिटी में उनसे आगे हैं। दलित जज का नाम आगे नहीं किया गया बल्कि एक सवर्ण जज जो हैं उनका नाम आगे कर दिया गया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। क्या मामला है वो समझ लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए काम करने वाला जो पैनल है जिसे कॉलेजियम कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति होती है, तो कॉलेजियम ने दीपांकर दत्ता नाम के एक जज का नाम रिकमेंड किया है जिन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता और उनका नाम आगे कर दिया है कॉलेजियम सिस्टम ने कि इनको जज बनाया जाए। 28 अप्रैल 2020 को ये बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, लेकिन इनकी जो सीनियोरिटी है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि इनसे भी ज़्यादा कोई सीनियर है वो कौन है, वो है एस मनी कुमार जो कि केरला हाईकोर्ट के फिलहाल सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। फिलहाल वो वहां के चीफ जस्टिस हैं केरला हाई कोर्ट के एस मनी कुमार, और वो 11 अक्टूबर 2019 को जो है वो जज बन गए थे, केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे। जबकि आप देखें ये जो दत्ता हैं ये 28 अप्रैल 2020 को बने थे, तो उनसे सीनियर हैं, पहले वो चीफ जस्टिस बन गए थे। और ये जो एस मनी कुमार हैं वो अप्रैल 2023 में रिटायर हो जाएंगे। इनका अगर आप रैंक के सीनियरिटी के हिसाब से देखेंगे जिसमें वो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं जो देश के 25 हाई कोर्ट हैं, कुल 25 हाई कोर्ट हैं देश में, उन 25 हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार, जो कि अपनी एज के हिसाब से भी, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी वो सीनियर हैं। लेकिन उनको रिकमेंड नहीं किया गया बल्कि उनको इग्नोर करते हुए दीपांकर दत्ता का नाम सुप्रीम कोर्ट ने जो जज है कॉलेजियम सिस्टम उसने जज बनाने के लिए रिकमेंड कर दिया है, और जो एस मनी कुमार हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो फिर एक बार हमने देखा कि किस तरह से दलित जज को जो कि डिजर्व करते हैं अपने सीनियरिटी के हिसाब से, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए था, वो डिजर्व करते हैं, उनका हक बनता है, लेकिन उनको इग्नोर करके, दरकिनार करके दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सवर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम रिकमेंड कर दिया गया। अब आप देखें कि भारत में जो कुल 25 हाईकोर्ट हैं उसमें इकलौते शेड्यूल कास्ट के जज हैं एस मनी कुमार। 25 हाईकोर्ट के जजों में आप देखेंगे तो आपको दलित जज नहीं मिलेंगे, इकलौते शेड्यूल कास्ट के जज हैं एस मनी कुमार, जो फिलहाल केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो डिजर्व करते थे लेकिन उनको नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, अब इसका सवाल का जवाब जब आप तलाशेंगे तो आपको कई सवाल के जवाब मिलेंगे। पहली चीज तो ये कि दीपांकर दत्ता जो हैं वो उनके खानदान के लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। उनके पिता जो हैं सलील कुमार दत्ता वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, वो भी जुडिशरी का हिस्सा हैं, वो जज रह चुके हैं। और इनके जो जीजा हैं अमितवा रॉय, वो इनके जीजा हैं इनके दीपांकर दत्ता के, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से पुराना रिश्ता है, खानदानी रिश्ता है, जिसे हम नेपोटिज्म इन जुडिशरी कहते हैं, कि एक परिवारवाद देश की न्यायपालिका में हावी है, जहां कुछ परिवारों के लोग, बाप बेटा दादा जो है सब मिलके जज बनता रहे, सबके जज बनते रहे, पीढ़ियों से जो जज बनने की कुर्सी है वो कुछ परिवारों के लिए आरक्षित हो गई है, जिसमें आपकी जाति एक बड़ी भूमिका निभाती है। ये आरोप जुडिशरी पर लगते रहे हैं कि वहां विविधता नहीं है। अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट में 29 जज हैं, उनमें अभी 5 वैकेंसी हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको मिला के फिलहाल 29 जजेस हैं, जिसमें 5 वैकेंसी और हैं जिसको भरा जाना है। और इसमें इकलौते जज का नाम रिकमेंड किया गया है दीपांकर दत्ता का। जनरली ऐसा होता है कि कॉलेजियम सिस्टम पाँचों जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन वैकेंसीज के जजेस को पहले ढूंढती है, फिर एक साथ नाम का रिकमेंडेशन सरकार को भेजती है कि आप जो हैं इन जजों को नियुक्त कर दीजिए, क्योंकि कोई इसके लिए परीक्षा नहीं होती है, कोई उस तरह की क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी का टेस्ट इसमें होता नहीं है, इंटरव्यू वाइवा होता नहीं है, तो जिसको मन होता है अपने हिसाब से कॉलेजियम सिस्टम तय करता है और नाम भेज देता है, और सरकार नाम मान लेती है, नहीं मानती है तो वो दोबारा भेज देते हैं वही नाम, तो ऐसा चलता है। अब आप देखें 29 जज हैं,
सुप्रीम कोर्ट में 5 वैकेंसी हैं, लेकिन एकमात्र दीपांकर दत्ता का नाम भेज दिया गया, बाकी का नहीं भेजा गया और एस मनी कुमार को साइडलाइन कर दिया गया, उनको इन्होंने जज नहीं बनाया। अब तक का अगर आप इतिहास देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अगर इन जजों को भी मिला दिया जाए तो आप देखेंगे 258 जज अभी तक बने हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब से सुप्रीम कोर्ट बना है तब से कुल 258 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बने हैं और इसमें अभी तक के इतिहास में आप देखेंगे तो सिर्फ 6 शेड्यूल कास्ट के लोग भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, जो देश के सबसे बड़ी अदालत है, जहां इस देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसका असर सीधे भारत की करोड़ों की आबादी पर पड़ता है, इतनी बड़ी जनसंख्या पर उसका असर पड़ता है। वहां अभी तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में 258 में से सिर्फ 6 शेड्यूल कास्ट के जज बने हैं। आदिवासी समाज से सिर्फ एक बार जज बने हैं शेड्यूल ट्राइब के सुप्रीम कोर्ट में, और मौजूदा जो अभी आप संरचना देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अभी कोई भी शेड्यूल ट्राइब का जज नहीं है। ओबीसी का सिर्फ एक जज है और शेड्यूल कास्ट के फिलहाल सिर्फ 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। 40-50% से ज्यादा जज तो सिर्फ एक जाति के पास में उनके कहें कि एक आरक्षित सीट हो गई है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर बैठे हुए हैं। ये जो हुआ है इसने एक बार फिर सवाल उठा दिया कि भारत की न्यायपालिका में विविधता क्यों नहीं है। अगर कहें कि बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि जिनके अपॉइंटमेंट होने वाली थी वो मिले ही नहीं, जिसे NFS स्कैम हम लोग कहते हैं, नोट फाउंड सूटेबल, आप ये तर्क देते हैं कि वो योग्य उम्मीदवार मिला ही नहीं और इस वजह से इस ये जो दिया जाना था ये अब किसी और को दिया जा रहा। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे योग्य जज हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं 25 हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मणि कुमार, उनको नज़रअंदाज करके, उनको एकदम अलग करके सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया और उसकी जगह बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता का नाम जो है वो भेज दिया गया। ये अपने आप में सवाल, गंभीर सवाल खड़े करता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट में क्यों हुआ, क्यों वहां विविधता लागू नहीं है, जातीय विविधता, अपने एथनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोगों की विविधता वहां क्यों नहीं है। 5 दिन पहले जो है, अभी हफ्ते भर की बात है, नागपुर में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित जो है उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था। ये वहाँ की जो बार एसोसिएशन है उसने कार्यक्रम रखा था जिसमें जो दीपांकर दत्ता हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित की तारीफ में इतने कसीदे कड़े बहुत ज़बरदस्त तारीफ की। सुनिए उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए कैसे वो उनकी तारीफ कर रहे थे। We have gathered here today to felicitate our Chief Justice of India. Individually, we may have congratulated His Lordship, but I take this opportunity of requesting my sisters and brothers to give a standing ovation to His Lordship. Sir, we are proud to have you as our captain. It's not that I know my Chief Justice for too long. It was in early March 2021 that I had the occasion to interact with Justice Lalit for the first time. I had been to Delhi to invite His Lordship to attend the inaugural function of the High Court building at Goa. While I was ushered by the attendant to the drawing room, I could find paintings on the walls, artifacts on the floors, and I could immediately sense that here is a judge who is an art connoisseur. I was made to sit for a little while, and thereafter in walked in a tall gentleman with white hair, white mustache, and to my utter surprise, addressed me by stretching his arm, "Sir, how are you?" Let me be very frank, I have never been approached by a Supreme Court judge like this, calling me as sir.
तो सुना आपने कैसे दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तारीफ कर रहे थे, तो क्या उन्हें तारीफ का इनाम मिला है, क्या उन्हें इसका इनाम मिला है? क्योंकि आप सीनियरिटी के हिसाब से देखेंगे तो एस मनी कुमार डिजर्व कर रहे थे, उनको नहीं दिया गया। ये क्यों हुआ, ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विविधता क्यों नहीं है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, देश की सबसे बड़ी अदालतों में जहां पर इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं, वहां एस सी एस टी ओबीसी के जजों की एक तरीके से नो एंट्री कर दी गई है। आवाज उठती है, लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, तो कभी कभी एकमात्र या दो जजों को नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर पोस्ट आप देखेंगे सवर्ण जातियों के पास में, उसमें भी खासकर ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जज बनाया जाता है। यही सवाल मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मिश्राम से भी पूछा था कि क्यों वहां पर विविधता नहीं है, सभी जाति के लोग क्यों नहीं है। सुनिए उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जो 14 या 13 ब्राह्मण जजेस है, वो क्यों ब्राह्मण जजेस बने हैं? Because of their social privilege only. Because they are a Brahmin. Right. And that's a established fact. You cannot deny it. Yes, yes. In fact, मतलब ये कोई accusation नहीं है। जब हम social diversity की बात करते हैं, तो दलितों के लोग या फिर OBC के जज क्यों नहीं बन रहे? आज सुप्रीम कोर्ट में एक ही OBC जज है। और जो दूसरा OBC जज है, वो actually state list में है। सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो आप उसको ओबीसी नहीं कह सकते। वो जो मतलब राज्यों में आपके सरकार आ जाते हैं, तो जैसे जुगाड़ करके, जैसे मोदी ने जुगाड़ करके अपनी जाति को ओबीसी डाल दिया, तो उसी तरह से वहाँ स्टेट में जो लोग पावरफुल होते हैं, सरकार बना लेते हैं, या फिर उनका कुछ एमएलए लोग हो ज्यादा होता है, तो वो अपनी जाति को उधर स्टेट लिस्ट में डाल देते हैं। तो वहाँ ऐसे उस तरह का एक स्टेट लिस्ट में एक ओबीसी है, बट उनकी कास्ट बहुत प्रिविलेज्ड है। ऐसा जो मतलब वहाँ के स्टेट के लोग मुझे बोलते हैं, तो जब भी मैं लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ, उनको ओबीसी से एक्सक्लूड करके करता हूँ, राइट? वो आप लोगों ने कि तो ये लोग जो है, ये लोग क्यों बने हैं? क्यों बने? जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है अनुकंपा के ऊपर अपॉइंटमेंट हो रही है, अनुकंप, तो फिर दलित जज, जिन दलित जज जो रिटायर हुए हैं, उनके जज, उनके लड़के जज क्यों, उनके जज क्यों नहीं, उनके लड़के को बच्चे जज क्यों नहीं बना रहे हैं? जैसे चंद्रचूड़ है, तो वो उनके पिताजी रिटायर हो गए, तो ये बच्चे को आपने, उनके बच्चे को जो है जज बना दिया। उदय ललित उनके पिताजी जज थे, ये मैथ्यूज के पिताजी जज थे, दादा पिता सब सब सुप्रीम कोर्ट में जज थे, मैथ्यूज के, मैथ्यूज जज थे, या अभी जो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में केरला के जज है, उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। एंड आप देखेंगे कि कई सारे जो जजेस हैं, अभी उस दिन जो गुप्ता जज हैं, उनके पिताजी वहाँ स्टेट में आरएसएस के फंक्शनरी थे, हेड थे नॉर्थ इंडिया के, और वो रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट के, उनका लड़का जो है सुप्रीम कोर्ट में जज है, जज है, तो क्यों हो रहा है कि, या वो जज के लड़के हैं इसलिए हो रहे हैं क्या? नहीं, मुझे, मैं नहीं मानता। जज के लड़के होना एक सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन वो एस सी एस टी ओबीसी नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट दी इज इट नॉट, दैट्स द बिगेस्ट यू नो रीजन दैट दे आर नॉट यू नो सेलेक्टिंग सच पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। प्राइमरी क्वालिफिकेशन तो आपका सवर्ण होना है, और आप एस सी एस टी ओबीसी हैं तो नहीं जा सकते। तो नितिन मिश्राम साहब ने बता दिया कि क्या एक वजह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं हैं। देश की न्यायपालिका में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, उसकी न्यायपालिका, ये हमारे मजबूत स्तंभ हैं, देश के राष्ट्र निर्माण की बड़ी संस्थान है, इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। लोगों को भागीदारी मिलेगी तो देश और तरक्की करेगा, जातीय विविधता भी वहां पर होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो ये जनेऊ लीला चल रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दें, वीडियो को अन्य लोगों से शेयर करें, उनके साथ में इसको साझा करें ताकि वो भी कुछ समझ सकें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।